बीती रात थाना बाणगंगा क्षेत्र के शिवकंठ नगर में रहने वाले लिस्टेड बदमाश महेश भाट और उसकी गैंग द्वारा 25 से अधिक रहवासियों पर उनके घर जानलेवा हमला किया गया और घर में तोड़फोड़ की गई, जिससे घर और खिड़की दरवाजों को भारी नुकसान हुआ है। घर के बाहर खड़ी रहवासियों की 20 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगाई गई। इतने से भी गुंडों का पेट नहीं भरा और सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं और छोटी बच्चियों पर चाकू से धारदार हमला किया, जिससे कई महिलाओं को गंभीर चोट आई है। कॉलोनी में रहने वाले लोग बताते हैं कि महेश भाट दारू, गांजा, भांग पाउडर, ड्रग्स जैसे अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करता है और यहां रहने वाले युवाओं को भी नशीला पदार्थ बेचता है। शिवकंठ नगरवासी चाहते हैं कि महेश भाट और उसकी गैंग पर रासुका की कार्रवाई हो और उसके ठिकानों पर प्रशासन बुलडोजर चलाए। बीती रात जो घटना हुई है, ये बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भवानी नगर है और शिवकंठ नगर, यहाँ पर रहने वाला जो गुंडा आएगा महेश भाट, ये करीबन 20 लोगों से ज़्यादा लोगों की इसके पास गेंगे और नशा करके ये लोग लगातार अपराध करते हैं, आदतन अपराधी हैं और वहाँ के रहवासियों को जबरन बेगुनाह लोगों के साथ मारपीट करते हैं और ये बेगुनाह लोगों का काम जो है मजदूरी करना है। इन मजदूरों को, गरीबों को जबरदस्ती कल रात को मारपीट की गई, इनकी गाड़ियों को आग लगा दी गई, गाड़ियां फोड़ी गई, 4-5 फोर व्हीलर फोड़ी, 8 से अधिक टू व्हीलर फोड़ी, उसके साथ ही इनके घरों में भी तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि 2 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, वो बच्ची को अग्गे लाई है, उस बच्ची को भी उठा के फेंका है और इस महिला को, ये माता जी को, इनको 60 टांके आए, इनके सिर में तलवार मारी है, ऐसे करके उनने कई महिलाओं को भी मारा, कई पुरुषों को भी मारा, इस बच्ची को भी मारा, इसको फेंक दिया, ये चेहरे पे निशान है। अब ऐसे गुंडों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग को लेकर हम यहाँ पर माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के पास आए थे, यह प्रार्थना लेकर, यह निवेदन लेकर आए थे कि ऐसे गुंडों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर रासुका की कार्रवाई की जाए, उनके घरों को जमींदोज किया जाए, साथ ही कोई भी आरोपी ऐसा बचना नहीं चाहिए, उनके नशे जो बेचते हैं वो नशा बेचना भी बंद होना चाहिए और वो उस क्षेत्र में रहेंगे तो इन रहवासियों की जान को खतरा है, इनके जान माल को खतरा है, इसलिए वो वहां नहीं रहे, ऐसी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। इन मांगों को लेकर हम यहां पर आए थे माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के पास।